नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं दुर्गेश, अभी मैं हजारीबाग से 15 किलोमीटर दूर कटकमदाग प्रखंड के एक सुल्ताना ग्राम पंचायत में मैं अभी आया हुआ हूँ। आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा हैं। आइए कुछ उनसे बात करते हैं, किस तरह का प्रोग्राम है और क्या कहेंगे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। स्वास्थ्य केंद्र आपको मालूम है कि जिला खनिज मत के द्वारा हम लोग सब जगह बढ़िया से बढ़िया बनाते चले जा रहे हैं, सबकी मरम्मत हो रही है। जैसे यहाँ अभी मयातू में भी किया गया है और इसी प्रकार से हम लोग सब जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनका भी सुधार कर रहे हैं, उनका भी सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। और आप समझिए कि क्षेत्र में 1800 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उन सबको जिला खनिज मत के द्वारा उनका सौंदर्यीकरण किया गया है। पोषण के लिए, बच्चों के लिए बढ़िया से बढ़िया हम लोगों ने सब सुविधाएँ दिलवाई हैं और इस प्रकार से जन कल्याण के लिए, अपने सब माननीय जनता के लिए हम लोग अनेकों काम कर रहे हैं। और उसका आज आप इधर एकदम जीवित उदाहरण देख रहे हैं कि किस प्रकार से कायाकल्प हो रहा है। चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, शिक्षा की आप बात करें, ये हम लोगों ने करके दिखाया। अच्छा, एक सवाल है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेके, कि हम लगातार जो है विपक्ष के ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मंदिर है पूरी तरह से निर्माण उसका हुआ नहीं है और चारों शंकराचार्य जो भी है वो कहीं ना कहीं उनका भी विरोध इसमें रह रहा है कि जब तक मंदिर पूरा निर्माण नहीं हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा इसमें कैसे हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर मंदिर है तो मंदिर का कलश सिर होता है, ध्वजा अगर ध्वजा बाल के समान होता है तो ये पूरा शरीर, मंदिर पूरा शरीर है और उसमें जो मंदिर जो मूर्ति है वो आत्मा है। जब तक पूरी तरह से मंदिर का निर्माण नहीं होगा तो प्राण प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं मतलब वो धार्मिक नहीं हो पाएगा, तो इस विषय में क्या कहें। प्रभु राम 500 वर्ष के वनवास के बाद आ रहे हैं, उस राम में हम लोगों को जय सिया राम गाना चाहिए, इस प्रकार के विवाद को नहीं उठाना चाहिए। एक बार फिर से मोदी सरकार जो हम लोगों का चुनावी नारा है उसको भी हम लोग दीवार पे बना रहे हैं। ये पूरे क्षेत्र में ये अभियान चल रहा है, हमने परसों भी किया, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे, पर ये दीवार लेखन का अभियान सब कार्यकर्ता हम लोग कर रहे हैं साथ साथ। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की परमानेंट यहाँ पे नियुक्ति नहीं की गई, उनका एक टाइम दिया गया है। जब हम क्षेत्र में दौरा करते हैं तो मेरी कोशिश हरदम होती है कि स्कूल को देखें, आंगनवाड़ी केंद्र को देखें, स्वास्थ्य केंद्र में देखें और वहां से जाकर सब जो वहां कर्मचारी हैं उनसे बातचीत करके ये पता लगाना कि क्या क्या और ज़रूरतें हैं और फिर उन ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, इसका भी हम लोगों का निरंतर दौरा चलता रहता है। आज मयातू में हमको बताया गया है कि यहाँ एक सुंदर स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, लेकिन ज़रूरत अभी और भी उपकरण की है, और भी डॉक्टर और नर्स की है। और क्योंकि यहाँ ज़मीन अच्छी है और यहाँ एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र भी बन सकता है, तो हमने इन लोगों को अनुरोध किया है कि एक प्रस्ताव बनाया जाए, सिविल सर्जन के द्वारा आए, हम लोग उसका पूरा सहयोग करेंगे और सुल्ताना में हम लोग एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र भी बनाएंगे। सर, राम मंदिर के लिए भी बहुत सारा प्रयास किया गया है, उस विषय में कहां तक अभी प्रगति हो पाई है? बहुत ही अच्छी प्रगति हो पाई है। कटकमदाग में भी हम लोग यहां कुछ पर्यटन स्थल और जो छोटा वाला जो मंदिर है उसको भी हम लोग विस्तार कराना चाहते हैं। और अभी भी शहर में बड़ा अखाड़ा में हम लोगों की बात चल रही है कि जब अयोध्या का राम मंदिर जो है इसका राम में अभी चलेगा, जैसे जैसे ये चलता है तो उसी के साथ, उसी मोमेंटम के साथ हम लोग हजारीबाग के लिए भी एक भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण करें, जिसमें कि सब जो हमारे क्षेत्र के राम भक्त हैं उन लोगों को अपने ही शहर में भी एक राम मंदिर मिले, अपने ही क्षेत्र में भी एक राम मंदिर मिले। सवाल और है कि बहुत नज़दीक हो गया है लोकसभा का चुनाव और मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में कई तरह की अफवाहें कहें या जो भी कहें वो आ रही हैं कि हमारे सांसद जो हैं वो कांग्रेस की तरफ जाने को हैं, तो सर इसमें कहां तक सच्चाई है? ये तो आपने पहले ही कह दिया कि चुनाव का समय है और चुनाव के समय ये सब बरगलाने वाली बात, दुष्ट प्रचार, गलत प्रचार सब जो विरोधी हैं करते रहते हैं लोगों में सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए, तो इन सब चीज़ों का कोई हम लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए, कोई इसका वजूद नहीं देना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जोर शोर से काम में लगा हुआ है, विकास में लगा हुआ है। और अब हम लोग, अब जैसे राम मंदिर का काम समाप्त होता है हम लोग सब लोगों को अयोध्या भी ले जाएंगे, तो इस प्रकार से सब कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।